हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी। दिस इज योर हरभगन भाई का ऋतिक। एक बात मैं पहले बता दूँ, ये मत बोलना मुझे कि रोज एक ही कपड़े पहन के रखता है। ये मेरा आज का दूसरा वीडियो, पहले बता रहा हूँ आपको। तो चलिए, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है अपनी गाड़ी के पीछे देखने में, पीछे वाला ट्रैफिक उनको दिखता नहीं है, ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं कार में, उनको कैसे कवर करें। इसको जाने देते हैं पहले। चलो गाइस, इतने में वो जाता है, इतने में आपको मैं इससे इंट्रो करा देता हूँ। ये है रियो, जर्मन शेफर्ड है ये, मिड कोट वाला। अरे नहीं नहीं, रियो क्या खा रहा है, कुछ भी इसको नीचे मिल जाए खाने लग जाता है, धागा ही मिल गया इसको। बड़ा शैतान है ये, बहुत 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 शैतान है। मेरे को डॉग्स वगैरह बहुत पसंद है, एनिमल्स बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसको पाल रहा हूँ। अरे फिर मुँह में डाल गया, बताऊँ तेरे को। वैसे गाइस बड़ा प्यारा है, बड़ा क्यूट है, बड़ा सॉफ्ट है, पर शैतान उससे भी ज़्यादा है। मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना आपको ये कैसा लगा, अगर आपको इसके वीडियोस देखने हो। नो नहीं छोड़, अगर आपको इसके वीडियोस देखने हो आगे तो मेरे को बता देना, वो भी बहुत शैतान है ये, बहुत 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 शैतान है जिसे कहते हैं। तो चलो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। कुल मिलाकर मैं आपको बता रहा था कि मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम अपनी गाड़ी के ब्लाइंड स्पॉट्स को कैसे गायब करें। दो तीन तरीके बताऊंगा, उनको आप यूज़ कर सकते हो, आपकी चॉइस है, उनमें से आप कोई भी एक चूज़ कर लेना। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करें। तो देखो गाइस, पहले ना मैं एक अलग सेटिंग यूज़ करा करता था अपने शीशों को सेट करने के लिए, अब मैं कुछ दिनों से नई सेटिंग यूज़ कर रहा हूँ। तो चलो आपको पहले दिखाता हूँ। ये देखो, आपको ये मेरी ड्राइवर सीट के एंगल से दिख रहा होगा, मतलब आपको अभी फ़िलहाल मेरी गाड़ी की बॉडी भी दिख रही होगी और पीछे का भी दिख रहा होगा। इस तरीके से ब्लाइंड स्पॉट गायब हो जाता है। दोनों मैंने ऐसे कर रखे हैं, मतलब जैसे मैं पहले सेट करा करता था उसके कंपैरिजन में मैंने बस क्या किया है, मैंने सिर्फ ओए पानी 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 की आवाज़ कहाँ से आ रही है, रुको। अरे हे मम्मी, इसके तो मजे हो गए पानी में। भाग रहा है जोर जोर से। ये गया। चलो हम अपना टॉपिक फिर से कंटिन्यू करते हैं, इसका तो चलता रहेगा। मैं क्या बता रहा था, One eternity later. इसको सेट करने के लिए बस मैंने क्या किया, पहले मैं नॉर्मली क्या करता था, मैं अपनी गाड़ी के शीशे को ऐसे सेट करके रखता था। अब मैंने इस सेटिंग के लिए जो मैं अब कर रहा हूँ यूज़, उसके लिए मैंने क्या किया, सिर्फ इसको नीचे कर दिया शीशे को। ये देखो अब रियो दिखने लगा, बस और कुछ नहीं। पर गाइस, इस सेटिंग का एक साइड इफ़ेक्ट है, जब हम कार को नाइट में ड्राइव करते हैं, नाइट के टाइम पे सीधा पीछे वाली कार की अगर हाई बीम है तो सीधा लाइट आँखों में आती है, बहुत गंदी चुभती है, मेरे को बहुत दिक्कत होती है। इस वाले शीशे में तो मैं ऐसे कर देता हूँ तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं होती, पर इन दोनों शीशों से सीधा मेरी आँखों में लाइट आती है ऐसे करके। तो मैं नाइट में प्रीफर करता हूँ मैं शीशे को थोड़ा ऊपर कर दूँ। और उसी के साथ साथ आपके पास एक और ऑप्शन है, आप यहाँ पे एक छोटा सा मिरर होता है, ब्लाइंड स्पॉट मिरर कहते हैं उसको, वो लगा लो, यहाँ पे लगा लो, इस कोने में, उस कोने में, जहाँ आपको ठीक लगे इधर लगा लो, उससे भी सारा ब्लाइंड स्पॉट कवर हो जाता है। छोटा सा मिरर होता है, उस मिरर में पीछे का एक सारा दिखता है, वो भी काफ़ी अच्छा मिरर है। पर मेरे अकॉर्डिंग ये इसको नीचे करके, ये वाली सेटिंग जो मैं अभी कुछ दिनों से रिसेंटली यूज़ कर रहा हूँ, ये ज़्यादा बेटर है। इसमें हमें अपनी गाड़ी की बॉडी भी दिख रही है, अगर मान लो आप काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक में चला रहे हो, क्लोज चला रहे हो बाकी गाड़ियों से, तो आपको मान लो आपकी गाड़ी का ये वाला एरिया भी किसी और व्हीकल से पास है, तो आपको दिख जाएगा, आराम से पता चल जाएगा, आप जज करके गाड़ी को क्लोज़ कॉन्टैक्ट से निकाल सकते हो। पता तो इससे भी चल जाता है, देखो इससे भी पता चल रहा है, पर इतना ज़्यादा नहीं एज़ कम्पेयर टू दिस। पर ये चीज़ दोनों साइड है। विजिबिलिटी के मामले में एकदम मस्त सेटिंग है ये, पर मैंने आपको रात का बता दिया है, रात का सीन बेकार है इसका बहुत ज़्यादा, खासकर मेरे लिए जिनकी आंखें थोड़ी कमज़ोर हैं। और आपको मैं बाद में ज़रूर बताऊंगा कि मैंने क्या डिसाइड किया, कौन सी सेटिंग पे अपनी गाड़ी के रियर व्यू मिरर्स को रखता हूँ। अभी फ़िलहाल तो मैं यही कर रहा हूँ कुछ दिनों से ट्राई, आगे देखते हैं कुछ दिनों में शायद मेरा मन बदल जाए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और जो ब्लाइंड व्यू मिरर्स हैं छोटे वाले, अमेज़ॉन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। दिस इज़ योर हरभगन भाई का ऋतिक। कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताना कि मैं कहाँ गया शैतान, इस शैतान के वीडियोस डालूँ ना डालूँ। और ये है मेरी मारुति डिज़ायर,
इसकी प्लेलिस्ट आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी, वो एक बार आप ज़रूर देख लेना। बाय बाय।